फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर में काफी स्ट्रगल किया है। कुछ लोग तो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी मुकाम हासिल नहीं कर पाते, लेकिन कुछ को जल्दी ही कामयाबी मिल जाती है। आज हम बॉलीवुड के उस कॉमेडियन और एक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने खुद के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर और पॉपुलर कॉमेडियन जॉनी लीवर के बारे में, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से कई बड़े बड़े एक्टर्स के छक्के छुड़ा दिए। आज की वीडियो में हम जॉनी लीवर की लाइफ स्टोरी के साथ ही साथ लाइफ स्टाइल भी बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप जॉनी लीवर के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉनी का रियल नेम जॉन प्रकाश राव जानूमाला है और प्यार से इन्हें जॉनी बुलाते हैं। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को प्रकाशम आंध्र प्रदेश में हुआ और 2023 के हिसाब से 66 इयर्स के हैं। दोस्तों, जॉनी ने आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु स्कूल से 7वीं तक की पढ़ाई की। फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के चलते जॉनी ज्यादा पढ़ नहीं सके। कम उम्र में ही वो मुंबई आ गए थे और अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने कई तरह के काम किए। पेट भरने के लिए उन्होंने मुंबई की सड़कों पर पेन भी बेचे। जॉनी बॉलीवुड गानों पर डांस करते हुए और फिल्म एक्टर्स की नकल करते हुए पेन बेचते थे। इसके अलावा जॉनी मुंबई के हिंदुस्तान लीवर कंपनी में अपने पिता के साथ काम भी करते थे। यहां वो काम करते हुए अपनी कंपनी के दोस्तों को अपनी कॉमेडी टैलेंट से हंसाते भी रहते थे। धीरे धीरे वो फैक्ट्री के दूसरे वर्कर और ऑफिसर के बीच काफी पॉपुलर हो गए और यहां उन्हें नाम मिला जॉनी लीवर। जब कभी भी कंपनी में कोई फंक्शन होता था तो उसमें जॉनी को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जरूर बुलाया जाता था। जॉनी लीवर भी अब अपने टैलेंट को पहचानने लगे थे और उन्होंने कंपनी में काम करने के साथ ही साथ छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा शो में भी काम करना शुरू कर दिया। जब इन सबसे एक अच्छी रकम आने लगी तो उन्होंने 1981 में अपनी कंपनी छोड़ दी और अपना पूरा समय अपने टैलेंट को और भी इम्प्रूव करने में लगा दिया। उसके बाद अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे वे स्टेज शो में एक सफल कलाकार के रूप में उभर कर सामने आए। 1982 में उन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस अमिताभ बच्चन के साथ किया। जॉनी लीवर स्टेज परफॉर्मेंस में काफी मशहूर हो गए थे, लेकिन फिल्म जगत में वे अभी भी कदम रखने में सफल नहीं हो सके थे। तभी एक शो के दौरान डायरेक्टर और एक्टर सुनील दत्त ने उनके टैलेंट को पहचाना और पहली बार दर्द का रिश्ता फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया। उसके बाद जॉनी लीवर जलवा फिल्म में नशुद्दीन शाह के साथ भी दिखे, लेकिन उन्हें असली सफलता 1993 में सुपरहिट फिल्म बाजीगर से मिली। फिर उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि अगले कुछ सालों तक लगभग सभी फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में नजर आए। लोगों को जॉनी की जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग इतनी पसंद आई कि वो कई फिल्मों में दिखाई देने लगे। साल 2000 में उनकी एक साल के अंदर 25 फिल्में रिलीज हुई। लोग उनके एक्सप्रेशन देख के ही हंस हंसकर लोटपोट हो जाते थे। जॉनी ने अपने फिल्मों में लोगों को खूब हंसाया, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें जेल जाना पड़ा। ये साल था 2008, जब जॉनी पर तिरंगे का अपमान का आरोप लगा। इस आरोप में उन्हें 7 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद में उनके ऊपर से ये आरोप हट गया। जॉनी लीवर 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करते हुए अपने यूनिक एक्टिंग और मिमिक्री के दम पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला चुके हैं। उनके इन्हीं योगदान की वजह से 13 बार उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी लीवर भले ही आज सफल कलाकार हो गए हैं, उनके पास आज बहुत सारा धन और जायदाद है, लेकिन फिर भी वह अपने पुराने घर अपने साथियों से हमेशा मिलने के लिए जाते रहते हैं। सही मायने में जॉनी लीवर बॉलीवुड में कॉमेडी को काफी ऊपर ले जा चुके हैं। उन्होंने जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। जॉनी लीवर का जीवन हमें यही सीख देता है कि अपने पैशन और टैलेंट को साथ लेकर हम आगे बढ़े तो जिंदगी के हर फील्ड में हम जरूर सफल होंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना जॉनी लीवर का कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट कैरेक्टर है। चलिए मिलवाते हैं आपको जॉनी लीवर की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है प्रकाश राव जानूमाला और इनकी माँ का नाम है करुणम्मा जानूमाला। दोस्तों, जॉनी लीवर के दो भाई हैं, जिनमें से एक भाई का नाम है जिम्मी मोजेस, जो कि एक कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट है, और इसके अलावा इनका एक और भाई है। और दोस्तों, जॉनी लीवर की 3 बहनें भी है। और मैं आपको बता दूं, जॉनी लीवर की शादी सुजाता नाम की लड़की से 1984 में हुई थी और सुजाता से उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें बेटे का नाम जैस और बेटी का नाम जैमी है। जैमी भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्ट्रेस है जो फिल्मों में भी दिख चुकी हैं। अब बात करते हैं जॉनी लीवर के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, जॉनी लीवर अपने परिवार के साथ ऑक्सफोर्ड टावर यमुना नगर लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट मुंबई में रहते हैं और यहाँ पर इनका एक सुंदर सा घर है, जैसे कि आप इस घर को देख सकते हैं। वहीं बात करें जॉनी लीवर के कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके कार कलेक्शन में होंडा एकॉर्ड है जिसकी कीमत है 45 लाख रुपए, और दूसरी कार इनके पास है टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत है दोस्तों 40 लाख रुपए, और जॉनी लीवर के पास ऑडी A4 है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए, और लास्ट कार जॉनी लीवर के पास है मर्सिडीज बेंज E220D जिसकी कीमत है दोस्तों 75 लाख रुपए। वहीं बात करें जॉनी लीवर के इनकम के बारे में, तो दोस्तों जॉनी लीवर एक फिल्म के लिए 203 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं और जॉनी एड्स और शोज वगैरह से भी करोड़ों की कमाई कर लेते हैं।
बात करते हैं जॉनी लीवर के नेटवर्थ के बारे में। तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है लगभग 245 करोड़ रुपए। तो ये थी जॉनी लीवर की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।